मैं निशा सालवी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साइंस लिटिकल निशा सालवी में। जानती हूँ बच्चों, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। बहुत दिनों से आप लोगों की सभी की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम प्लीज ये कंटेंट डाल दीजिए, वो कंटेंट डाल दीजिए, तो आपका इंतजार आज खत्म हो रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से जो हम इतना सारा अटरम शटरम खाते हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, हम बहुत सारा घी खा रहे हैं, ये कैसे पचता है, राइट? तो ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। हम देख रहे हैं बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो 11th 12th बायोलॉजी जिसने ले रखी है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने देखा है कि ऐसे जो हमारे शरीर के जो तंत्र हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आप देखते हो, तो वो बच्चे भी आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी। मानती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए वो बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिए कि भाषा जो है कभी भी हमारे मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई बैरियर की तरह कार्य नहीं करती है। भाषा एक तरह की भावनाओं को जताने का तरीका है। तो आप मन में जब ये ठान लोगे कि लैंग्वेज कुछ भी हो हमें समझ में आनी चाहिए, इज दैट क्लियर? तो जो मेरे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि ये ना सोचे कि मैम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा रही है, मैम इंग्लिश वर्ड बोल रही है। आपको इन फ्यूचर जब आप भावी डॉक्टर हैं और आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी जो होगी, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ड्यूडोनम है, ये सारे के सारे जो इतने टफ टफ टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा, देखो मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगी पर थोड़ा थोड़ा हैबिट डालो कि हमें ये चीजें सीखनी है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से पूरी तरह कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे चाहिए कि आप भी उसके लिए कोशिश करें, राइट? चलिए तो फटाफट से आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम फूड क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें भूख लग रही है इसलिए, या कुछ और ही लॉजिक है, राइट? कभी हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स से, नहीं खाऊंगा खाना, नहीं खाऊंगी खाना, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आज खाना अच्छा ही नहीं बना। लेकिन जैसे ही आपका गुस्सा शांत होता है, ठीक है, 2-3 घंटे बाद आपको लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो वो एनर्जी कहां से आती है बच्चों? वो एनर्जी आती है हमारे फूड से। फूड में ऐसा क्या है बच्चों? फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? पोषक तत्व। इस भोजन के अंदर क्या होंगे बच्चों? पोषक तत्व होंगे, राइट? यानी कि मैं कह सकती हूं कि फूड के अंदर मेरे पास क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। आपको पता है न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं मैम? देखो बच्चों, घबराना नहीं है कि हमने तो न्यूट्रिएंट्स पढ़े ही नहीं है। कोई बात नहीं ना, अपने इसी चैनल में आपको मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ाऊंगी, सारे बेसिक्स क्लियर करते हुए ही चलूंगी। पोषक तत्व का मतलब है वो अवयव जो आपके शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको कंप्लीट कर सके, आपकी प्रॉपर बॉडी को फंक्शनलाइज कर सके, एनर्जाइज कर सके, उसके लिए हमें भोजन का संतुलित, या जो हमारा भोजन जो भी हम आहार ले रहे हैं उसका संतुलित होना अति आवश्यक है। आपने देखा है कि हम प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं तो आजकल की जनरेशन और जो हमारे दादा दादी जी हैं वो 100 साल में भी जी रहे हैं और हम लोग अभी तक, आप देख रहे हैं 40 वाला लुढ़क रहा है भाई। क्यों लुढ़क रहा है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पीन सही नहीं है। तो फूड जो है हम उसमें पोषक तत्व होते हैं, वो भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से मैम? एक होता है बच्चों मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो बोले तो बड़ा वाला, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो वृहद अणु है या वृहद अणु है। और यदि मैं बोलूं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में बोलूं, नट लग रहा है, इसको हटा ही देते हैं, ज्यादा बैठा है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है बच्चों, यानी कि हम कहेंगे कि जो लघु अणु है वो क्या है? देखो मैंने क्या खाया आज खाने में, मैंने खा ली मैम रोटी, ठीक है, मैंने चपाती खाई है और चावल भी ले ही लेती हूँ, चावल भी अच्छे लगते हैं, मैंने मैम चावल भी खा लिए है। साथ में मैम दाल चावल हो या फिर राजमा हो तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, दाल भी ले ली। अब दाल है तो
सीधी सी बात है, हींग और घी के छौकन के बिना तो अच्छी लगती ही नहीं है, तो मैंने क्या डाल दिया इसमें, घी भी डाल दिया। अब जो है सब्जी, यदि तुम और कोई एक्स्ट्रा सब्जी बना रहे हो, मिक्स वेज बना लिया आपने, तो उसमें आपने तेल भी डाल दिया, हाँ या ना, तो दैट मीन्स हमने कुछ कुछ चीजें खाई है, खाई है। तो आप देखोगे रोटी चावल, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, हाँ या ना भाई, इतना तो पता है, और नहीं पता है तो हम सीख लेंगे, राइट। दाल, दाल है तो मैम कह रहे हैं प्रोटीन है, राजमा है तो भी प्रोटीन है, ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ मैम घी तेल है तो दैट मीन्स मेरा फैट्स भी है, इज दैट क्लियर। तो यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स है ये क्या है, ये मेरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी। फिर माइक्रो हमारे पास विटामिंस हो सकते हैं, हाँ है ना, हमारे पास जल भी हो सकता है, भाई बिना पानी के रह सकते हो क्या। तो ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हम भोजन के द्वारा हमारी बॉडी जो है इसको ग्रहण करती है, लेकिन ग्रहण करने से क्या होगा, कैसे हमें मिलेगी एनर्जी, एनर्जी मिलेगी बच्चों देखो ये क्या है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब भोजन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि जैसे अपन नहीं कहते आपकी मम्मियां या बड़े बुजुर्ग अपन को कहते हैं भैया धीरे धीरे चबा के खाना खाओ, क्यों क्यों, तुम्हारे श्वास नली में अटक सकता है, भोजन नली में तुम्हारे खाना अटक जाता है तो हम क्या कर देते हैं कभी कभी वॉमिट कर देते हैं, हमें बीच में पानी पीना पड़ता है, क्या है ये कौन सी प्रक्रिया है, ये सारा का सारा जो कार्यक्रम चल रहा होता है वो चल रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर, वो क्या कर रहा होता है, जो हम रोटी का गस्सा खा रहे होते हैं ना, हम जो बड़े बड़े चावल खाते हैं वो क्या करता है, धीरे धीरे हमारी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। दैट मींस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसने कैसे कन्वर्ट कर दिया मेरे बच्चों, सिंपलर फॉर्म में। अब जब सिंपलर फॉर्म में किया तो क्या हुआ, सिंपलर फॉर्म में हमारे पास क्या आई बच्चों, एनर्जी आई। आई क्या बात समझ में, यदि मैं बोलूं कि भैया ग्लूकोज है साथ में O2 है तो हमारे पास ATP तो बनेगी बनेगी, साथ में CO2 भी रिलीज हो जाएगी, इतना पता है, राइट। नहीं पता है तो अभी ज्यादा ध्यान मत दो, बस हमें ये पता है अभी, हम सिर्फ और सिर्फ आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम उसका हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू समझ रहे हैं, अभी हम कोई हार्ड वाली टर्मिनोलॉजी नहीं ला रहे, हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, ठीक है। तो हमने भोजन खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने मुंह में भोजन खाया, मुंह से हमारे यहाँ पर भोजन नली में गया, ठीक है, भोजन नली से हमारे स्टमक में गया, वहां बहुत सारे पाचक रस आकर के आपको मिलेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव बहुत सारे जूसेस मिलेंगे जो आपके भोजन को प्रॉपर आपकी जो pH होती है उस पर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, जो पच गया, जो एनर्जी मिल गई वो ठीक है, जो अपचित भोजन है, जो अनावश्यक भोजन है वो कैसा गया, एक्सक्रीटरी मॉलिक्यूल के द्वारा बाहर चला गया। तो ये किसका काम था, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अल्टीमेटली कर क्या रहा है, तुमने देखा अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में बदल रहा है, पहली बात ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में बदल रहा है, और साथ ही साथ आपकी जो ब्लड वेसल है, इधर बनाते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं ये हटाऊंगी क्योंकि अपने पास जगह की थोड़ी सी कमी है। चलिए अब देखो मैं बना रही हूं रामलाल, ठीक है, क्या बना रही हूं, रामलाल, आइए भैया रामलाल जी, आ गए मैडम जी, चलो भाई, ठीक है, ये रामलाल जी की सुंदर सी आंखें हैं, हमें इसकी आंखों से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है वो है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्या बोलते हो बच्चों, ठीक है, राइट। इसने खाया मुंह में रोटी का गस्सा खाया, यहां अब मुंह में गई, ठीक है, रोटी मुंह में गई, तो डेफिनेटली ये जो माउथ है अपना, ठीक है, माउथ है इसके अंदर, ठीक है, ये क्या है इधर, इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी, भैया स्पेलिंग गलत हो तो बुरा मत मानना, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि स्पेलिंग मेरी मिस्टेक होगी होगी, कुछ नहीं कर पाती मैं, ठीक है, कोशिश करती हूँ तो भी गलत होती होती है, बक्कल कैविटी है,
बक्कल कैविटी हम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास में हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनाप शनाप क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैडम आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। अरे पढ़ाएंगे भाई, क्लास आज स्टार्ट हुई है, पढ़ाएंगे। बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से आपके पास ये एक नली है, ठीक है। तो आपकी जो नली है ये स्टार्ट हो गई, नली स्टार्ट हो गई, कहां से स्टार्ट हुई है? माउथ से, ठीक है। इस नली को, ठीक है, ये पूरी जो नली है बच्चों, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, यहां पर आपको पता है कि जो मेरा नोज है मैम, ठीक है, जहां से हम सांस लेते हैं, O2 चाहिए ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे, O2 चाहिए, ATP तभी तो बनेगा। आप नाक से सांस ले रहे हो, कौन सा बच्चा है जो नाक से खाना खा रहा है? खाना नहीं बच्चों, ठीक है, बड़ा अजीब सा लगता है जब वोमिट आती है। तो आपने सांस ली, आपके पास O2 आया, यहां से आपने भोजन खाया, अब अपने पास एक कॉमन नली है बच्चों अभी तक, ठीक है। ये जो चीज है, ये आप टच करके देखोगे ना, आपको फील होगा। तो जैसे ही आपको तो दैट मीन्स यहां पर ये जो आगे की तरफ है, ये आपकी भोजन नली नहीं है, ये आपकी कौन सी है? श्वास नली है। कौन सी है? श्वास नली है। और उसकी जो पीछे जो देखेंगे वो है आपकी भोजन नली का। तो जो ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये एक कॉमन पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो श्वास नली का है और जो आपकी भोजन नली का है उसका एक कॉमन पाथवे है, जिसका नाम होता है फेरिंग्स। क्या नाम होता है? फेरिंग्स नाम होता है। अब ये जो फेरिंग्स है बच्चों, ये आगे जाकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा श्वास नली में और भोजन नली में। भोजन नली अपनी आगे चल रही है, ठीक है, आ जाओ भाई, ठीक है। ये आ गया हमारा डायफ्राम, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? डायफ्राम आ गया। अब देखो बच्चों, एक और छोटी सी चीज है, यहां से तुम यहां देखना, ठीक है, यहां पर बनाएंगे क्योंकि यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। हमारा जो शरीर है बच्चों, उसके अंदर एक क्या पाई जाती है? सिलेंडर, खाली सिलेंडर। हमारी गैस खत्म हो गई मैडम जी, ठीक है, खाली सिलेंडर पाया जाता है, ठीक है, जिसको मैं क्या कहती हूँ? देह गुहा, ठीक है, सिलोम। क्या कह रही हूं मैं इसको? मैं बोलती हूं सिलोम। सिलोम की स्पेलिंग गलत ही लग रही है, ठीक है, देख लेना बच्चों एक बार, इधर आएगा ये, हाँ ठीक है, सिलोम यानी कि हमारी गुहा। अब ये जो सिलोम है बच्चों, ये बेसिकली दो भागों में बटी हुई है। किसके द्वारा बटी हुई है? डायफ्राम की, ये वाला डायफ्राम, ठीक है, मैं पार्ट बता रही हूं, यहां पर जो पार्ट होते हैं। इस डायफ्राम के ऊपर की तरफ, इस डायफ्राम के ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होंगे बच्चों? हमारे फेफड़े, ठीक है, हमारे लंग्स होंगे। और जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये अब देखो, जो ये अपनी भोजन नली का, ये ठीक है, ये जो भोजन नली का आई है, ये आगे जाकर के थोड़ी सी क्या बोलेगी? बहुत टाइम हो गया मेरे को सीधे चलते चलते, मैं थोड़ी सी कर्व ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसने कर्व ले लिया, आ जाओ भाई, इतना ये स्वेलन सा जो पार्ट है आपका, ये जो आपका स्वेलन सा जो पार्ट है, ये ही क्या है? आपका स्टमक है। क्या है बच्चों? ये आपका स्टमक है, क्लियर दैट, है ना, स्टमक आ गया। यानी कि डायफ्राम के नीचे वाला भाग जो है, ये वाला जो पार्ट है, उसको हम कहते हैं थोरोसिक कैविटी, ठीक है, थोरोसिक कैविटी। डायफ्राम के नीचे वाली जो है बच्चों, क्या आ जाती है? पेट वाला पार्ट आ जाता है, पेट को आप बोलते हो ना एब्डोमेन, हाँ है ना, एब्डोमेन कहते हो। तो इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चों? इधर लिख दूं, एब्डोमेन कैविटी, ठीक है, थोरेसिक, क्योंकि थ्रॉट वाले पार्ट की तरफ है, याद रखने का तरीका बता रही हूं, ठीक है। जो हमारी ये सिलोम है, उसका ऊपर, डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट जहां पे लंग्स है, ठीक है, जहां पे धक धक या फिर डक डक, ठीक है, जो आवाज आ रही है वो क्या कर रही है आपका? ये ऊपर गले से रिलेटेड है, तो थोरोसिक, याद रखोगे।
और नीचे वाला पार्ट क्योंकि पेट से रिलेटेड है तो एब्डोमेन, याद रखने के लिए एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के इधर भी एक पार्ट है बच्चों जिसको मैं कहती हूँ पेल्विक, ठीक है, पेल्विक कैविटी। अब ये पेल्विक वाला जो पार्ट है यहां पर क्या होंगे, जननांग होंगे। क्लियर दैट, यहां तक समझ में आ गई। तो अपन ये देखो, क्लियर दैट, ये लंग्स यानी कि ये कौन सा वाला पार्ट आ गया, थोरसिक। फिर इसके बाद ये डायफ्राम आ गया, डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक आ गया, स्टमक आ गया। अब ये स्टमक क्या बोल रहा है कि यार कुछ तो अब गड़बड़ है, कुछ तो और करना पड़ेगा। अब क्या आ जाएगा, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन कर्व लेना स्टार्ट करेगी, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसी के साथ में ये क्या है मेरी, ये हो गई मेरी बड़ी आंत यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गई अंदर की तरफ यहां से जो मुड़ती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में देखिए यू शेप्ड, ठीक है, लेकिन जो हम कह सकते हैं जो फॉरेन ऑथर की है या जो बहुत रेफरेंस बुक है उसके अंदर दे रखा है सी शेप, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में चूंकि यू शेप दे रखा है तो आपको याद रखना है कि स्टमक ने थोड़ा सा कर्व लिया है, और ये जो कर्व आप देख रहे हो बच्चों ये यू शेप्ड है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, बट रेफरेंस बुक में आपको सी शेप्ड भी देखने को मिल सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में। तो ये हो गई मेरी बड़ी आंत्र और ये हो गई मेरी छोटी आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर आ गया एनस। तो देखा आपने कि एलिमेंट्री जो कैनाल है वो मुंह से शुरू हुई है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस फ्रॉम माउथ, ठीक है। कैसे, एंटीरियर जो इसका पार्ट है एंटीरियरली कहां से खुल रही है, माउथ से ओपन हो रही है, माउथ से शुरू हो रही है, और ये क्या कर रही है, ओपन आउट फ्रॉम एनस, एनस पे आके ओपन हो रही है, लेकिन कैसे, पोस्टीरियरली, ठीक है। पोस्टीरियर यदि ओपनिंग आपसे पूछेंगे तो आप एनएस बोलेंगे, एंटीरियर ओपनिंग बोलेंगे आपको एलिमेंट्री कैनाल की तो आप क्या बोलोगे इसको, माउथ से। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आया। हमने क्या बोला कि भाई खाना खाया, बकल कैविटी में अभी बहुत सारी चीज पड़ेंगे, दांत पड़ेंगे, सलाइवा पड़ेंगे, हमारी जीभ पड़ेंगे, ठीक है, आई बात समझ में, ये सब पढ़ेंगे। फिर अपन धीरे धीरे भोजन को नीचे लेकर आएंगे, कौन कौन सी ग्रंथि से भोजन होकर के जा रहा है ये देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि मैम स्टमक में आया, यहाँ पर कैसे हमने इसका पूरा पीएच करा, कैसे भोजन जो है वो सॉलिडिफाई होकर के कैसे कैसे छोटे छोटे रस में बदल गया, फिर वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट कैसे हुआ जब एनर्जी मिल गई, जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो कैसे एनएस के थ्रू बाहर चला गया, ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है बच्चों वो हम पढ़ते हैं डाइजेशन के अंदर। क्लियर है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखा है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बच्चों माउथ से, क्या स्टार्ट करेंगे, माउथ से स्टार्ट करेंगे, बकल कैविटी को बहुत अच्छे से करेंगे, दांतों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यानी कि टीथ को हम पढ़ेंगे, हमारी टंग को बहुत अच्छे से, कैसे पैपिलाई प्रेजेंट होते हैं, कैसे हमारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों हमें टेस्ट आता है, सारी की सारी चीजें, क्यों हम भोजन खाते हैं लेकिन कभी कभी नाक से आ जाता है, और वो भोजन जो हम खाते हैं वो नाक से क्यों नहीं आता, जबकि सेम हमने क्या बोला कॉमन नलिका है तो भोजन नाक में क्यों नहीं चला जाता, सारे के सारे इतने इंटरेस्टिंग रीजन, इतने सारे कॉजेस आपको पता लगेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर, यदि आपको सच में अच्छा लगता है, जेन्युइनली आप पसंद करते हो मेरे टीचिंग स्टाइल को, आप मेरे कंटेंट को, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, यही एक तरह से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक थैंक यू।